दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रकार के स्केच पेन्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहां से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये 15 टाइप्स के, 15 अलग अलग प्रकार के स्केच कलर्स हैं। ये पैकेट जो है दोनों ही सेम है, और अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूं कि इसके अंदर जो कलर्स हैं वो किस तरह के हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, इसमें ये कलरिंग बुक जो है वो साथ में फ्री गिफ्ट के तौर पर दी गई है, जिसे हम में हम काम कर सकते हैं। ये कलरिंग बुक इसके साथ ही है। और ये देखिए, 15 अलग अलग प्रकार के रंगों में उपलब्ध है, 15 टाइप ऑफ शेड्स। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया स्केच पेन्स। और ये जो स्केच पेन्स है, ये देखिए, ये 50 शेड्स में है। और ये कनेक्टर पेन्स हैं, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इनसे हम इन्हें आपस में जोड़ के और भी इन्हें क्रिएटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, पूरी 50 शेड्स में है। ये दो अलग अलग लाइनें हैं और ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कनेक्टर पेन्स हैं, स्केच कलर्स, बहुत ही बढ़िया, इजी टू यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्हें इस तरह से जोड़ के हम क्रिएटिविटी में और पर्पस के लिए भी हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ, शानदार पैकिंग, 50 शेड्स। और यही कनेक्टर पेन्स जो है, स्केच पेन्स, इसमें 15 शेड्स में है, 15 अलग अलग प्रकार के रंगों में। ये देखिए, ये भी सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और काम करने में बहुत ही बेहतरीन। और ये जो है, ये देखिए, ये भी स्केच पेन्स है। इनमें एक मैजिक कलर दिया गया है, जो कि कलर को, बाकी कलरों को ऊपर अगर ऊपर से फेर दिया जाए तो वो दूसरे रंग का कलर चेंज कर देता है। ये देखिए, जो व्हाइट में दिया गया है कलर चेंजर पेन, मैं आपको दिखा देता हूं। ये भी बहुत बेहतरीन है पैकिंग के साथ। इसमें भी ये कलर बुक जो है, ये फ्री गिफ्ट के तौर पर दी गई है, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए, इसकी पैकिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल। और इसमें ये जो है, ये कलर चेंजर पेन है, जो कि दूसरे कलर को यूज करके अगर उसके ऊपर इसे फेर दिया जाए तो कलर जो है वो पहले वाला वो चेंज हो जाता है, किसी और कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इन्हें मैजिक कलर्स के नाम से भी, ये देखिए, एडवर्टाइज किया गया है मैजिक कलर के नाम से, इसीलिए, क्योंकि इसमें कलर चेंजर पेन है। ये दो दिए गए हैं इसमें कलर चेंजर पेन, बाकी ये सिंपल कलर्स हैं। और इसके बाद ये देखिए, ये स्टैम्प मार्कर्स हैं। इनके ऊपरी हिस्से पर आप देख सकते हैं एक रोलर है, उसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन छपे हुए हैं। जैसे ही हम इस रोलर को फेरते हैं तो जो डिजाइन इस स्टैंप के ऊपर छपा हुआ है उसकी पूरी की पूरी लाइन छप जाती है। ये स्टैंप मार्कर्स हैं, 6 अलग अलग प्रकार के डिजाइन में। और इसके बाद ये देखिए, ये स्केच पेन्स, बहुत ही शानदार, अलग अलग प्रकार के रंगों में उपलब्ध। और ये देखिए, कितनी बढ़िया पैकिंग के साथ, इसमें 36 वाटर कलर पेन्स, मतलब 36 प्रकार के स्केच पेन्स इसमें अलग अलग रंगों में हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया पैकिंग और बहुत ही शानदार रिजल्ट। और इसके बाद ये देखिए, ये हाइलाइटर्स हैं, टेक्स्ट लाइनर्स, 5 अलग अलग प्रकार के रंगों में। ये भी इन्हीं की ही शेड्स हैं। और ये मिनी हाइलाइटर्स हैं,
स्मॉल साइज में, चार अलग अलग रंगों में। और ये देखिए, ये भी स्केच पेंस है 12 शेड्स में। और ये भी 12 शेड्स में स्केच पेंस। और ये देखिए दोस्तों, ये स्टैम्पोज हैं, इनमें जो ये स्केच पेंस हैं, इनकी ऊपर से जो शेप है नोक की वो डिफरेंट दी गई है, अलग अलग प्रकार की, और उससे हम अलग अलग प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, इनमें जो आप देख सकते हैं हर एक की नोक के ऊपर एक डिजाइन दिया गया है। जैसे ही हम उसे कागज के ऊपर इसे यूं रखेंगे तो जो इस पर ये जो स्टैंप बनाई गई है वो डिजाइन उस पर प्रिंट हो जाएगा, और इस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें 8 अलग अलग तरह के डिजाइन के पेन दिए गए हैं, और इनको इस तरह कागज पर लगा लगा कर हम इस तरह से कलरफुल डिजाइन बना सकते हैं। तो ये है स्टैम्पोज। और ये देखिए, ये दोनों सेम पैकेट हैं। ये देखिए, इसमें 21 अलग अलग प्रकार के स्केच पेन्स हैं, 21 शेड्स। और ये देखिए, ये ब्रश पेन्स हैं, इनमें जो वाटर कलर पेन्स हैं इनकी जो नोक है वो ब्रश की तरह है, बहुत ही स्मूथ, इजी टू यूज। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, कितनी बेहतरीन पैकिंग और बहुत ही शानदार रिजल्ट। हम इनसे बिल्कुल ब्रश की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इनकी जो नोक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इनकी जो नोक है वो बिल्कुल ही, देखिए ये जो टिप है कितना फ्लेक्सिबल है मूवमेंट करने के लिए। हम इसे एक कागज पर बहुत ही स्मूथली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया नोक है, ये ब्रश वाले जो बाल है वही इनमें डाले गए हैं, इन्हें हम ब्रश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के रंगों में ये अवेलेबल, देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार टिप के साथ ब्रश पेंस। और अब मैं सबसे लास्ट लाइन में आपको दिखाना चाहूंगा, ये बहुत ही मिनी साइज के स्केच पेंस हैं। और ये देखिए, ये पहले तो ये 12 शेड्स में आते थे, अब इनमें ये एक स्केच पेन एक्स्ट्रा फ्री दिया गया है, अब ये कुल 13 अलग अलग प्रकार की शेड्स में है। देखिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये जो स्केच हैं, हम इनमें पर्टिकुलर एक शेड को भी परचेज अलग से कर सकते हैं अगर हम इनकी क्वांटिटी ज्यादा चाहें, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये जो लास्ट लाइन में मैंने अलग से रखे हुए हैं, ये देखिए हम पर्टिकुलर एक शेड भी ले सकते हैं, जिस तरह से ये ब्लू शेड का पैकेट है स्केच पेन्स का, और ये येलो शेड्स का। जब मतलब हम लार्ज स्केल पर काम करते हैं, किसी चार्ट पर काफी बड़ा काम करना हो, और इस तरह से मान लो पैकेट में एक कलर का हमें काम जरूरत उस पेंटिंग में ज्यादा हो, उस पेंटिंग में मान लो कि हमने येलो कलर भरना है और उसमें बहुत ज्यादा एरिया कवर करना है, और हमारा जो कलर है वो काम करते करते बीच में खत्म हो गया, तो पर्टिकुलर उस एक कलर के लिए हमें बहुत सारे पैकेट नहीं खरीदने पड़ेंगे, हम पर्टिकुलर उस शेड को भी अलग से परचेज कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से येलो की ये पूरी की पूरी ये पैकेट जो है ये येलो की ही है, हम प्रॉपर एक शेड को अलग से ले सकते हैं। ये देखिए येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, रेड एंड ब्लैक। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने अलग अलग प्रकार के स्केच पेन्स के बारे में जाना और उनकी जानकारी
जानकारी हासिल की। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।